मैं श्रुति और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। और आइए विस्तार से आगे की खबरों पर नजर डालते हैं। लकड़ी के घर्षण से प्रकट हुए बालक स्वरूप अग्निदेव। जी हां, बिहार में सिवान महाराजगंज थाना क्षेत्र के पटेरी बाजार देवरिया मोड़ स्थित योगी ब्रह्म स्थान के पास हो रहे विष्णु महायज्ञ में विष्णु भगवान की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा देकर अग्निदेव की पूजा की गयी और लकड़ी को घिस कर बाल स्वरूप अग्निदेव को उत्पन्न किया गया। श्री पूजा में श्री श्री 108 श्री कन्हैया दास जी महाराज एवं संजय श्री महाराज अयोध्या से आए हुए हैं। देवरिया पंचायत के मुखिया श्री अजीत प्रसाद उर्फ आजादी बाबू, श्री रमाशंकर साही महाराजगंज बजरंग दल के प्रखंड संयोजक आर्यन पांडे, सदस्य में चंदन पटेल और समस्त ग्रामवासी मौजूद हैं। बिहार से मेरे संवाददाता कौशिक कुमार की रिपोर्ट। आइए इनसे जानते हैं। जैसा कि हमने देखा कि लकड़ी की घर्षण करके अग्निदेव को उत्पन्न किया गया। जी महाराज जी, आप बताइए कैसे लकड़ी के घर्षण से अग्निदेव उत्पन्न हो गए? देखिए, अग्नि तीन प्रकार की और यज्ञ में जो लकड़ी से लकड़ी के घर्षण करके भगवान अग्निदेव प्राप्त होते हैं, ये बालक स्वरूप अग्नि और हमारी जो माता जी होती है घर में प्रयोग करती है वो युवाग्नि होती है। और एक अग्नि होती है जो हमारे मृत्यु हो जाने पर शमशान घाट पर पंच तत्वों पर विलीन हो जाने के बाद घाट में प्रयोग किए जाते हैं, वह अग्नि वृद्धाग्नि उसका नाम है। तो जो बालक स्वरूप अग्नि का दर्शन करता है इसका बड़ा बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि अग्नि के सात पैर और इनकी प्रदक्षिणा सात पैर। भगवान अग्नि के दर्शन करने मात्र से मनुष्य की आंख की रोशनी कभी कम नहीं होती है और जिस प्रकार अग्नि प्रज्वलित होती है, जलती है, उसी तरह मनुष्य का पाप भी जलकर चलता है। इसलिए भगवान अग्नि जल का दर्शन करना। आतंकवादी जाकिर मूसा बना पुलिस के लिए सिरदर्द। जी हां, पंजाब के जिला फिरोजपुर में खतरनाक आतंकवादी जाकिर मूसा की तलाश में पूरे पंजाब को हाई अलर्ट किया गया है। पंजाब के अलग अलग शहरों में जाकिर मूसा की पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं। जीआरपी की तरफ से रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। अगर बात करें पंजाब पुलिस की तो उनकी ओर से शहर में कोई भी पुख्ता प्रबंध नहीं नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस की चेक पोस्ट पर भी ताला जड़ा नजर आ रहा है। मीडिया से बात करते हैं जीआरपी अधिकारी। पोस्टल वाले कश्मीरी मिलीटेंट, इहदा नाम हैगा जाकिर मूसा, जिहदे वास्ते पहला हाई अलर्ट भी होया इसे बंदे करके होया। ये साडे मोबाइलों 'च भी इहदी अपना फोटो हैगी ते हुण जगह जगह ते असीं स्टेशन दे उत्ते सारे ते पोस्टर भी लाए। सर, लोकां 'च भी दहशत हैगी आ, वी आखिर की शंका हैगी वी फिरोजपुर 'च भी हो सकदा? देखो जी, इंटेलीजेंस रिपोर्ट सी पहला दस बॉर्डर एरिया दे विच सरगर्म हो सकदा, पर अजे तक कोई गल्लबात नहीं। किस तरह दी हुण तुसीं चौकसी मतलब वरती आ जिहड़े पोस्टर लगाए पोस्टर लगाउण तों बाद? नहीं, पोस्टर तो पहला भी तो बाद भी जिधर बंदे तो शक करते हैं असं उसकी तलाशी लेने और समान चैक करते हैं तो आई डी वगैरह दे। कौन शख्स पोस्टर लगे थे की मतलब की मकसद है जी थोड़ा रेलवे स्टेशन के पोस्टर लगाने? सर, ये जतन मूसा का जो टेररिस्ट है कश्मीर बाउंड टेररिस्ट है, जिसे कुछ इनपुट मिले थी कि वो कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज कर सकता है या वो मूवमेंट जोड़ा है पंजाब के हो सकता है, वो रिगार्डिंग ही लगाए गए हैं पोस्टर, क्योंकि कोई भी उन्होंने मकसद हो सकता है, कुछ भी टारगेट हो सकता और हाई अलर्ट के उत्ते उन्होंने किया। सर, उन्होंने लैके लोगों की भी दहशत है, किस तरह के फिर इंतजाम जो है किए गए थोड़े सिक्योरिटी रिलेटेड? जिस तरह भी है ट्रेन के चैकिंग है, खास करके जरा मेन लाइन की ट्रेन चैकिंग है बहुत ज़्यादा बधाई गई है और अदर एजेंसीज है उन्होंने नो चैकिंग जी की जा रही है। सर, लोगों भी खौफ है कि तुम एक मैसेज देना चाहोगे भी जो लोगों भी डर का माहौल है? डर का माहौल नहीं, जस्ट लोगों एक जागरूक करने कि हाँ अगर थोड़े आस पास कोई इस तरह का बंदा नज़र आता है या वो कोई एक्टिविटी नज़र आती है तो उसको सूचित किया जा सकता है, एजेंसी
जो भी रिलेटेड एजेंसीज है यानी कि कार्रवाई की पॉसिबिलिटी है भी सर इस इलाके च भी शायद हो सकता है तो इस बारे कुछ नहीं कहा जा सकता को मतलब कि महसूस करते भी दहशत हैगी मन के महसूस करते अपन कि मन के दहशत जरूर हैगी है जी बिकॉज ये जोड़े ज टैररिस्ट है बहुत ही खतरनाक ने जाकिर मूसा जिदे बारे अभी पढ़ते भी हैं बहुत ज़्यादा तो फड़े जाने चाहिए तो पुलिस ने भी वैसे नाके नुके काफ़ी लगाए हुए हैं तो फोर्स भी लगी हुई है अभी वेखे जी BSF वाले भी खड़े से एक दिन ते ए जल्दी जल्दी फड़े जाने चाहिए स्टेशन हम जो पोस्टर लगे किए देखते हो कि मन नहीं जोड़े पोस्टर लगाए गए ने जाकिर मूसा की तरफ तो ये दर्शाते हैं भी ये बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा खूंखार होने वाले ने यह पंजाब में बहुत ही ज़्यादा मतलब गलत माहौल पैदा करने वास्ते लगाए गए के जिला फिरोजपुर में SPD बलजीत सिंह सिद्धू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि जसपाल सिंह DSP फिरोजपुर शहर की निगरानी नीचे CIA इंस्पेक्टर अवतार सिंह और जसवीर सिंह मुख्य अफसर थाना कैंट ने आर्मी में भर्ती करवाने के नाम पर और ठगी करने वाले गिरोह के दो व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इस मामले में दोषी हरमनदीप सिंह उर्फ दीपू निवासी कोट ईसे खान और सुरेंद्र सिंह उर्फ सिंधु निवासी हरियाऊ लहरागा को बस अड्डा फिरोजपुर कैंट से गिरफ्तार किया गया है। मीडिया से बात करते PD हरजीत सिंह सिद्धू अभी यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। फास्ट न्यूज इंडिया की टीम द्वारा सर्वे, जी हां लोकसभा चुनाव को लेकर शाहजहांपुर में फास्ट न्यूज इंडिया की टीम द्वारा दूसरे भाग का सर्वे किया गया। इस दौरान बेरोजगारी का मुद्दा छाया रहा। वर्तमान सरकार से युवाओं की शिकायत है कि शाहजहांपुर में दर्जनों फैक्ट्रियां हैं जिनमें लाखों युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है, इसके बावजूद जिले का युवा पलायन करने को मजबूर है। शाहजहांपुर से हमारे संवाददाता हर्षित मिश्रा की रिपोर्ट। हम इस समय मौजूद हैं शाहजहांपुर की सबसे लोकप्रिय कोचिंग NTSSP में। हम हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पे जो कई छात्र हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि 2019 में जो लोकसभा का चुनाव आने वाला है उसमें आप जो है वर्तमान सरकार को दोबारा चुनेंगे या फिर कोई नया चेहरा सामने आएगा, बताइए प्लीज़। हमें तो इससे मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो यही सोचते हैं कि कोई ऐसी ही सरकार हो जो हमारा डेवलप करे, हमारा डेवलप हो, बस यही चाहते हैं। और विशेषकर इस सरकार से हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, सरकार इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी हमारे मतलब देश को काफ़ी हद तक आगे बढ़ा रही है, तो हम तो यही सरकार को लाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। आप बताइए। आप सर इंटरनेशनल मुद्दे तो काफ़ी अच्छे हैं सर, मोदी जी ने काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन नेशनल में जैसे आरक्षण व्यवस्था है, राम मंदिर है, जो मेन मुद्दे लेके ये आए थे उस पर तो अभी तक 4 साल में कोई भी काम हुआ नहीं है, तो मतलब ये हो जाए तो सही है। मेरा तो बस यही कहना है कि जो हमारी बात करेगा, जो मुद्दे हम लोगों के हैं जैसे आरक्षण व्यवस्था है इसे खत्म करने की बात करेगा, SC ST एक्ट जो थोपा गया है बिल्कुल गलत है, इसे इसमें कुछ नए क्लॉजेस जोड़ने चाहिए, जैसे कि अगर गलत पाया गया जो भी मुकदमा दायर किया गया है तो मुकदमा दायर करने वाले के ऊपर भी बहुत कठिन कार्रवाई होनी चाहिए, तो इसमें जो संशोधन करेगा हम लोग उसी के साथ हैं। हम मौजूद हैं इस समय बिजलीपुरा में। पूरी करना और कुछ नहीं लेना देना हमें कुछ सरकार से, गरीब तो गरीबी है ही, गरीब को हटाओ गरीबी मत हटाओ, हाँ गरीब को हटाओ, सरकार ये चाह रही है, सरकार ये चाह रही है कि गरीब को हटाओ, गरीबी नहीं हटाओ। अच्छा आप बताइए। गरीबी हट जाना चाहिए, गरीबी हटना चाहिए या गरीब को हटाना चाहिए? गरीबी हटना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो इन्हीं लोगों ने ये फैक्ट्री बंद कर दी है, सब जितने लोग हैं जो सब मजबूर हो गए हैं, काम धाम कहीं नहीं है, गरीब आदमी कहाँ जाएगा, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई क्या कर रहा है, रिक्शों भी वो पाबंदी लग रही है, तो क्या करेगा आदमी, गरीब आदमी भूखे नहीं मरेगा, क्या करेगा, कह रहे गरीबी हटाएं कहाँ, गरीबी को हटा देंगे। लग रहा है आपको, क्या लग रहा है, क्या माहौल चल रहा है? हो सकता है कि अखिलेश आ जाए आपकी, क्यों अखिलेश ने जो काम किए हैं आप, अखिलेश आप बताइए। नहीं बनेगी सर। किसकी बनेगी? सपा की।
2019 में जो लोकसभा का आने वाला चुनाव है उसका क्या माहौल चल रहा है? क्या आप वर्तमान सरकार से संतुष्ट हैं या कोई नया चेहरा देखना चाहेंगे? सर, चाहे नया हो चाहे पुराना हो, सरकार जिसकी भी बने अच्छी चले, धंधे अच्छे चले, यहाँ तो सभी परेशान हैं। मतलब वर्तमान सरकार से सभी लोग परेशान हैं? सभी, जब से सरकार बनी है सभी परेशान हैं। कुल मिला के ये है कि धंधे पानी नहीं। आने वाला चुनाव है तो आप वर्तमान सरकार से संतुष्ट हैं? क्या दोबारा उसको फिर चुनना चाहेंगे या कोई नया चेहरा आएगा? इस सरकार को कोई चुनना नहीं चाहेंगे हम। अच्छा। गरीब आदमी से सभी लोग परेशान है, हमें नहीं सभी लोग परेशान है, जिसमें गरीब सबसे ज्यादा परेशान है। मैं गाँव में रहता हूँ, सबसे ज्यादा गाँव में जो है तो मायावती हिसाब किताब है, मायावती का नहीं भैया पुराना सब। लेकिन नई सरकार से खुश नहीं है, छोटे उद्योग जितने भी थे सब बंद कर दिए, पब्लिक बिल्कुल तरह तरह घूम रही है, ना काम है, ना बिल्कुल खाने पीने का कोई इंतजाम है, ना अस्पताल में कोई सुविधा है। मतलब कुल मिला के सरकार से हम आम जनता तो खुश नहीं है, खास तौर से आप संतुष्ट नहीं है। तो आप नए चेहरे के रूप में किसको देखना चाहेंगे? नया चेहरा क्या सरकार, वही चाहिए, अखिलेश या कांग्रेस, दो में से कोई आप चाहिए। कांग्रेस है कि 2014 से में हमने यहाँ पर जो माननीय वो हैं सांसद महोदया उनको चुना था, सभी लोगों ने सहयोग से ही वो जीती थी। अब जैसे मैं अपने मोहल्ले का ही बताऊं, यहाँ पर ये कूड़े का ढेर लगा हुआ है, जरा आप उधर देखिएगा, और ये इधर ऊपर कब्रिस्तान का इलाका लगता है उसके ऊपर रख दिया गया है, वो यहाँ कूड़ा फैला रहता है। ये गली बरसों से ऐसे ही पड़ी हुई है, जब से मकान बने हैं तब से ये गली बरसों से पड़ी हुई है, ये आज तक इसमें एक ईंट नहीं किसी ने लगाई आकर के, तो संतुष्ट कैसे होगी जनता, कैसे संतुष्ट होगी? अच्छा, आपको कहने के बोला आप वर्तमान सरकार से संतुष्ट नहीं है, तो कोई क्या नया चेहरा कोई देखना चाहेंगे? बिल्कुल नया चेहरा देखना चाहेंगे। क्या लहर चल रही है चुनाव की, जो आने वाला चुनाव है 2019 का? देखिए, अब वो चीज़ मोदी जी वाली तो नहीं है कि अच्छे दिन आएंगे, वो चीज़ तो नहीं है, उस चीज़ से आदमी जो है ऊब चुका है। स्पष्ट सी बात है कि हमने 4-5 साल होने जा रहे हैं, देखा है जो उन्होंने वादे किए वो किसी वादे पर खड़े नहीं उतरे हैं, तो अब ये तो उम्मीद ना ही करिए कि अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन जो आने थे वो हम लोगों ने देख लिए कि अच्छे दिन आए हैं, इसलिए मोदी लहर तो नहीं है, मोदी लहर नहीं है। तो किसकी लहर आपको लग रही है, किसकी लहर है? अब लहर का ये है, जैसे गठबंधन की बात की जा रही है कि सपा और बसपा का गठबंधन हो जाएगा, अगर वो गठबंधन होता है तो स्वाभाविक तौर पर शाहजहांपुर में जो है उस चीज़ उसका वर्चस्व होगा। सरकार की वर्तमान स्थिति से तो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ये सरकार ना तो रोजगार के मुद्दे पर स्पष्ट हो रही है, ना ही स्वास्थ्य के मुद्दे पर, ना ही शिक्षा के मुद्दे पर, कोई भी कार्य सामान्य तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो मैं यही चाहूँगा कि नई सरकार आए और इन सभी बिंदुओं पर ध्यान दे। तो नया चेहरा आप किसको देखना चाहेंगे नए चेहरे के रूप में? जो भी व्यक्ति रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करेगा या डेवलपमेंट की बात करेगा, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यही चाहेंगे जो इन बिंदुओं को अपने एजेंडे में रखता है, ठीक है, उसी को प्रेफर करेंगे और उसी को आप बताइए। देखिए सर, ऐसा है कि जो प्रेजेंट टाइम गवर्नमेंट है वो बेरोजगारी पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, जो भी वैकेंसी निकलती हैं वो कहीं ना कहीं खारिज कर दी जाती हैं, कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, जो भी भर्तियाँ कर रहे हैं अभी तक कोई कंप्लीट नहीं हुई। अच्छा, शाहजहाँपुर में बहुत बड़ी फैक्ट्रियां हैं, कई फैक्ट्रियां जिसमें काफ़ी लोगों को रोज़गार मिल सकता है, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया? नहीं, उसके लिए भी नहीं किया। और हम लोग पीजी कंप्लीट करने के बाद जो 70% पीजी लेकर आए अभी तक हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, उसका मतलब आखिर कब तक हम लोग बेरोजगार घूमेंगे? एज का भी एक बाउंडेशन होता है। मतलब आपका कहने मतलब आप वर्तमान सरकार से कोई भी यहाँ पे संतुष्ट नहीं है, तो क्या लगता है आपको क्या माहौल चल रहा है, किस ओर आकर्षित है जनता के, नया चेहरा किसको देखना चाहेंगे? नया चेहरा आए, बढ़िया काम करे, और हम लोग यही चाहते हैं बस। कोई पार्टी विशेष या किसी प्रत्याशी को किसको देखना चाहेंगे आप? किसी प्रत्याशी को नहीं, जो भी प्रत्याशी आए, कोई भी पार्टी का आए, वो बस हम लोगों को बेरोजगारी और हमारे देश में जो निर्धनता है, गरीबी, उसको हटाए। मतलब वर्तमान सरकार ने जो प्रत्याशी है आप उनसे संतुष्ट नहीं है? जी नहीं। मतलब अगर बीजेपी ही कोई नया अच्छा कैंडिडेट आ रहे तो आप जो है किसका सपोर्ट करेंगे? वो तो चेहरा सामने आने के बाद बताएंगे। आप बताइए। जी बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि 5 साल पहले इन्होंने अपने सारे बिंदु रखे थे, ना तो शिक्षा पे काम किया, ना ही स्वास्थ्य पे काम किया, ना ही प्रदूषण की बढ़ती समस्या पे काम किया, ना ही जनसंख्या पे, कोई भी कार्य समुचित ढंग से हुआ नहीं है, तो क्यों चुनेंगे? जी आप भाई, हम तो सरकार से बिल्कुल संतुष्ट हैं पूरी तरह, और अपनी नरेंद्र मोदी जी की सरकार को 100 में 100 नंबर देना चाहेंगे। जी मैं कांट से बिलोंग करता हूँ, समाजवादी पार्टी का यहाँ पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि उनकी कुछ नीतियाँ थीं जो लोगों को अच्छी लगी थी, वो फिर से चाहते हैं, तो वो फिर से। आप बताइए। हमारे यहाँ तो भाजपा का जोर है। आप? हमारे यहाँ तो भाजपा का जोर है ही है, और मेरे क्षेत्र की पब्लिक कुछ माननीय मंत्री महोदया जी के चुनाव के बाद दोबारा क्षेत्र में न पहुँच पाने के कारण रुष्ट है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय की स्थिति खराब। जी हाँ, पूर्व माध्यमिक विद्यालय मौलाना
आजमगढ़ की हालत जर्जर। यहाँ के मास्टर ने बताया कि यहाँ ना फर्श है और ना बाउंड्री वॉल है। इसकी सूचना कई बार दी गई लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आजमगढ़ से हमारे संवाददाता सादिक उस्मानी की रिपोर्ट। राज्य मंत्री का तो नाम पता है? अच्छा, गृह मंत्री? गृह मंत्री राजनाथ सिंह है। अच्छा अच्छा, परिवहन मंत्री? प्रधानमंत्री। परिवहन मंत्री कौन? परिवहन मंत्री जी जी आपके मनोहर पर्रिकर हैं। परिवहन मंत्री शायद मनोहर पर्रिकर है। सही बता रही हैं। रक्षा मंत्री कौन है आपके? रक्षा मंत्री तो निर्मला जी हैं इस समय जी। खबरों का सिलसिला आगे ऐसे ही जारी रहेगा लेकिन आप जरूर बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।